Assalamu alaikum viewers, how to do ki janib se aapki khidmat mein hazir hu. In this tutorial I will show you how to redirect a blog to another blog or website. ठीक है कि किस तरह एक blog को किसी दूसरी website या blog पर redirect कर के हम open कर सकते हैं. यह है आज का हमारा छोटा सा tutorial जो मैंने आप दोस्तों के लिए बनाया है. तो इसमें मैं आप दोस्तों को तफसीलन बताऊंगा कि और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह एक ब्लॉग को किसी दूसरे ब्लॉग पर रीडायरेक्ट करके ओपन करवाते हैं और या किसी ब्लॉग को किसी दूसरी वेबसाइट पर ओपन किया जाता है. तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हाउ टू डू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ में अपीयर होने वाले बेल सिनेमा बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको ज़रूर पहुँचे. ठीक है, तो आते हैं देखते हैं इसमें क्या करना है. मेरे पास ये दो जो है ब्लॉग के लिंक जो हैं वो मौजूद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ रीडायरेक्ट. रीडायरेक्ट है क्या चीज़. रीडायरेक्ट मैं आपको समझा दूँ कि ये एक हमारे पास लिंक है जो tangwalitutes.blogspot.com के नेम से है और दूसरा जो है इसका डोमेन नेम है और दूसरा जो है वो है हमारे पास सिंपल tangwalit.blogspot.com. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि टांगो वाली ट्यूट्स जो है ये पहले वाला लिंक जो है ये इस दूसरे वाले पर मैं रीडायरेक्ट करवाऊं. ठीक है, कि जब मैं टांगो वाली .blogspot.com सर्च करूं तो मेरे पास डायरेक्टली तौर पे ये वाला डोमेन नेम जो है ये ब्लॉग ये ओपन हो जाए. मैं इस दूसरे वाले को ओपन करूँ तो मेरे पास पहले वाला ओपन हो जाए. तो इसको कहते हैं रीडायरेक्ट. कि मतलब आप एक रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके पास आगे दो रास्ते हैं, आप एक की तरफ जाने के बजाय आप दूसरे पे चले जाएं. ठीक है, अपना रास्ता बदलें. तो हम इसको ब्लॉग या मतलब ऑनलाइन जो है इसके डोमेन का को रीडायरेक्ट किस तरह करना है वो देखते हैं. तो उसके लिए मैं अभी जो है ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ. तो मेरे पास ये देखिए एक ब्लॉग है tangwalitutes.blogspot.com. मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यही ओपन होगा और दूसरा जो है वो मेरे पास है यहाँ पे tangwalit.blogspot.com. ठीक है, एक तो ये ओपन हो गया और दूसरा जो है वो ये ओपन हो गया टांगवाली. ये सिंपल टांगवाली और दूसरा जो है वो है tangwalitutes. ये मेरे पास दो ब्लॉग हैं. मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉग को ओपन करूँ, यहाँ पे लिखूँ tangwalit.blogspot.com तो मेरे पास ओपन हो जाए tangwalitutes.blogspot.com. ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाना होगा tangwalit के मेन सोर्स कोडिंग के अंदर, इसके HTML के अंदर. उसे मैं एडिट करता हूँ. यहाँ से चला जाएँ आप थीम के अंदर और फिर एडिट HTML के अंदर जाएँ. देन आपने क्या करना है, यहाँ पे हेड का टैग जो है वो आपने फाइंड करना है. फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये स्क्रिप्ट दे रखा है, जावा का स्क्रिप्टिंग है, जावा की कोडिंग है. इसके अंदर आपने जिस साइट को आपने रीडायरेक्ट करवाना है उसका यहाँ पे आपने डोमेन नेम जो है URL लिंक वो आपने यहाँ पे लिख लेना है. ठीक है, और देन आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद आपने हेड के टैग के नीचे जो है इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है. जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने सेव करने के बाद इसका रिज़ल्ट देखना कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है. अब मैं ओपन करूँगा. पहले जब मैंने इसे tangwalit.blogspot.com पर ओपन किया तो मेरे पास ये पेज आया. अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास दूसरा जो है tangwalitutes का पेज वो ओपन हो जाएगा. अब दोबारा देखते हैं इसे. मैं यहाँ पर tangwalit.blogspot.com जो है ये देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास ओपन क्या हो जाता है, tangwalitutes.blogspot.com. अभी देखिए यह डायरेक्ट tangwalitutes.blogspot.com का जो है वो चला गया. तो ये था रीडायरेक्ट करने का तरीका. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी. इसी तरह बहुत सारी और वीडियोस हाउ टू डू की जानिब से देखने के लिए हमारे चैनल हाउ टू डू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. खुदा.